नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमा किचन हेल्दी फूड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का रेसिपी मैं बनाऊंगी लहसुआ का भाजी। तो ये देखिए, लहसुआ का पौधा है और फूल भी आ गया है। तो मैं इसका जो है कि फुनगी इसी तरीके से तो नोच ले रही हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लहसुआ का पौधा है और बहुत ही हरा भरा नरम है। तो मैं इसका फुनगी ही खोट ले रही हूँ। तो दोस्तों, हमने डलिया लिया हुआ है तो मैंने ढेर सारा खोट लिया है। तो मैं ये देखिए डलिया में रख ले रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं खेत में आई हूँ, यहाँ कितनी हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, लहसुआ का साग हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से तोड़ लिया है। चलिए चलती हूँ घर। तो दोस्तों, बहुत धूप था खेत में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो दोस्तों, मैं पहुंचने वाली हूं घर। तो दोस्तों, मैं आ गई हूं घर और इसे रख लेती हूं एक बर्तन में, और तो मैं इसका साफ कर ले रही हूं। तो दोस्तों, इसका जो है ये फूल का वाला भाग निकाल देना है इस तरीके से। हम ये देखिए दोस्तों, हमने लहसुआ का साग बहुत अच्छे से साफ कर लिया है और रख दिया इसे झन्नी में। और बाकी का ये देखिए, डंठेली और फूल हमने निकाल दिया है, और एक ख़राब जो पत्ते थे वो भी हमने निकाल दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं साफ पानी ले ले रही हूँ, देखिए तसले में। तो तसले में हमने साफ पानी निकाल लिया है। तो मैं इसी में लहसुआ को धो ले रही हूँ अच्छे तरीके से, दो तीन बार धो लेना है। तो दोस्तों, इसमें मिट्टी उट्टी लगी रहती है ना, तो साफ़ हो जाएगा अच्छे से, ठीक रहेगा। तो मैं झन्नी में इसे लहसुआ को रख दे रही हूँ छान के। तो दोस्तों, हमने चूल्हे में आग को जला दिया है, तो इस पे कढ़ाई रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। तो अभी सब्जी को नहीं काटी हूँ मैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने तड़का तैयार कर लिया है। लहसुन का कली हमने बारीक काट लिया है छिलकर, और यहाँ मिर्ची भी हमने काट लिया हुआ है तड़का लगाने के लिए। तो कढ़ाई हमारी गरम है, मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल गरम है तो मैं तड़के को डाल दे रही हूँ, जला दे रही हूँ। तो दोस्तों, जो लहसुआ का साग मैं धो के रखी हूँ, इस तरीके से मुट्ठी में ले लेके मैं काट ले रही हूँ हसुआ की मदद से। तो इसी तरीके से हमें सारे साग को काट लेने हैं। तड़का हमारा पक चुका है तो मैं थोड़ा सा इसमें साग डाल दे रही हूँ। इस तरीके से मैं चला दे रही हूँ, और जो बाकी का साग है मैं काट ले रही हूँ। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा छौंक दी हूँ साग, और जो है कि बाकी है थोड़ा मैं काट ले रही हूँ इस तरीके से, और मैं बहुत ही बारीक बारीक काट रही हूँ, देख लीजिए। दोस्तों, साग को रखे ना काट के, नहीं तो कड़वा लगेगा। तुरंत बनाए इस तरीके से, जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरीके से आपको भी बना लेने हैं इस तरीके से। ये जो बचा हुआ साग है मैं इसे डाल दे रही हूँ कढ़ाई में। अब भाजी को चला देना है। तो साग में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ, अदरक के पका लेना है। मैं चला दे रही हूँ साग को, इसके बाद ही भर दे रही हूँ। मैं थाली हटा के चेक कर ले रही हूँ और बढ़िया से चला दे रही हूँ। तो दोस्तों, आप एक साग तावे पे भी बना सकते हैं, जिससे रोटी बनाते हैं। तो मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी भाजी बनेगी। तो दोस्तों, ये साग जो है कि बथुआ की तरह उगता है खेत में, इसे बोया नहीं जाता है खेत में, इसका बीज कोई नहीं डालते हैं, अपने आप से खेत में उगता है और बहुत टेस्टी भाजी बनती है। आप लोग यदि नहीं बनाए हैं तभी तो आप लोग बनाइएगा। तो लहसुआ का पत्ता दोस्तों बहुत नरम था, ये देखिए कितना जल्द गल गया, 5 ही मिनट नहीं लगा, ये देखिए एकदम गल के मिक्स हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हमारा साग बनके तैयार है। तो आप दाल चावल रोटी के साथ में खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों, साग बहुत ही फायदेमंद है, आप भी बना के खाइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मिलेंगे दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।